हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रीति और आज की रेसिपी में मैं लेके आई हूं जोधपुर के फेमस मिर्ची वड़े, जिन्हें आप बहुत ही आसानी से बना के रेडी कर लोगे और ये दोपहर के खाने के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आप इसे ज़रूर बना के इंजॉय करें। तो फिर इसे कैसे बनाना आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैटर बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया बेसन और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया चावल का आटा, अजवाइन क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। और मसाले मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक थिक घोल रेडी करेंगे। अच्छी तरीके से फेंटते हुए हम इसका घोल रेडी करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। तो बस यहाँ पर मैंने बैटर रेडी कर लिया, एक भी लम्स नहीं है इसमें। तो हमें इसे बनाने के लिए चाहिए बड़ी साइज़ वाली मिर्ची, जो मार्केट में आसानी से मिलती है, या तीखी भी नहीं रहती है ज़रा भी। तो सारे मिर्चों को कट लगा लेना है हमें इस तरीके से। उसके बाद हम स्पून की मदद से इसके सारे बीज को रिमूव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे बीज रिमूव कर लिया। अब हम तैयार करेंगे इसके स्टफिंग। तो यहाँ पर मैंने बॉयल्ड पोटैटो लिया है, पोटैटो को इस तरीके से हाथों से मैश कर लेंगे। उसके बाद पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, जीरा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। सारे मसालों को हम धीमी आंच में पकाएंगे। जब मसाले हमारे भुन जाएंगे तब हम ऐड कर लेंगे बॉयल पोटैटो और अच्छी तरीके से इसे हम मसालों में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मसालों में अच्छी तरीके से आलू को मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, जीरा पाउडर, इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे धनिया के पत्ते। बस बनके रेडी हमारी स्टफिंग। इसे हम निकाल लेंगे और अच्छी तरीके से इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब हम इसे मिर्ची के अंदर फ्रिल कर लेंगे। अच्छी तरीके से स्पून की मदद से हम इसे फ्रिल करेंगे चारों तरफ। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टफिंग अच्छे से फ्रिल कर दिया मिर्ची के अंदर। इसी तरीके से सारे मिर्ची को मैंने यहाँ पे फ्रिल करके रख लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो हमने जो घोल रेडी किया था उसको एक बार और अच्छे से फेंटेंगे, उसके बाद हम मिर्ची को इसमें डिप करेंगे। तो अच्छी तरीके से चारों तरफ कोट हो जाए ऐसा हमें डिप करना, उसके बाद हम इसे कर लेंगे डीप फ्राई। तो यहाँ पे मैंने तेल को पहले गरम करने रख दिया था। मिर्ची को हम ऐड करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम मिर्ची को निकाल लेंगे और बाकी मिर्ची भी हम इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया कलर आया है। इसी तरीके से हम सारे मिर्चों को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो बस बनके रेडी हैं झटपट से मिर्ची के वड़े। आप भी इसे बनाइए, खाइए। और अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।